आज से लगभग 15 दिन बाद गूगल की सबसे बड़ी इवेंट होने वाली है, जिसमें गूगल एक नहीं बल्कि चार चार पिक्सल फोन्स लॉन्च करने वाला है। और इस बार गूगल कुछ ऐसा करने वाला है जो इन्होंने पिछले 8 सालों में कभी भी नहीं करा है। और जो प्राइस गैप इन्होंने पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो में क्रिएट करा था, वो पिक्सल 9 सीरीज में और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो चलो फिर पिक्सल 9 सीरीज की 9 सबसे बड़ी अपग्रेड्स डिस्कस करते हैं और साथ ही में इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। गूगल ने पिक्सल 6 सीरीज के साथ में हॉरिजॉन्टल कैमरा लेआउट की स्टार्टिंग कर दी थी। उसके बाद से जितनी भी पिक्सल सीरीज आई है ना, उनमें इन्होंने थोड़े थोड़े बैक में चेंजेस करे। जैसे कि पिक्सल 7 का जो कटआउट था उसको थोड़ा सा इन्होंने छोटा कर दिया था। उसके बाद जो पिक्सल 8 आया था उसका पूरा डिजाइन ही इन्होंने सर्कुलर कर दिया था। और अभी पिक्सल 9 सीरीज आ रही है, इसको लेकर ना लोगों का काफी मिला जुला सा रिस्पॉन्स आ रहा है। किसी को पिक्सल 9 का डिजाइन अच्छा लग रहा है, किसी को पिक्सल 9 सीरीज का डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है। गूगल ने पिक्सल 9 सीरीज का जो कैमरा कटआउट है ना, वो टोटली रीडिजाइन कर दिया है। और जहां पर पिक्सल 8 सीरीज में जो हमें जो साइड्स थी वो कर्व्ड देने को मिली थी, वहीं पर पिक्सल 9 सीरीज में हमें जो साइड्स हैं वो यहाँ पर फ्लैट देखने को मिलेंगी। इससे हो सकता है कि फोन को पकड़ने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो, लेकिन जो कॉर्नर्स हैं वो हमें अभी भी राउंडेड ही देखने को मिलेंगे। हालांकि डिजाइन वाइज गूगल ने यहाँ पर काफी बड़े चेंजेस करे हैं। जैसे कि जो वेनिला मॉडल है वो तो हमें सेम साइज का ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रो मॉडल है वो इस बार हमें 6.3 इंचेस का देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा ना कि जो लोग यहाँ पर कॉम्पैक्ट साइज का एक प्रो मॉडल चाहते थे उनके लिए यहाँ पर काफी बेनिफिट होने वाला है। लेकिन उनका क्या जो कि एक बड़े साइज का स्मार्टफोन प्रेफर करते हैं, पहले उनके लिए है ना पिक्सल 9 प्रो एक्सएल स्मार्टफोन, इसका साइज आपको 6.7 इंचेस के अराउंड देखने को मिलेगा। जहां पर एप्पल और सैमसंग जो है वो टाइटेनियम बिल्ड पर मूव हो चुके हैं, वहां पर काफी ज्यादा अनलाइकली है कि हमें पिक्सल 9 सीरीज में टाइटेनियम बिल्ड देखने को मिले। हालांकि जनवरी में कुछ लीक्स आई थी जो सजेस्ट करती थी कि हमें पिक्सल 9 सीरीज में टाइटेनियम बिल्ड देखने को मिल सकती है, लेकिन इस बार ना मुझे काफी ज्यादा अनलाइकली लग रहा है कि पिक्सल 9 सीरीज टाइटेनियम बिल्ड के साथ में आएगी। हालांकि अगर ये टाइटेनियम बिल्ड चूज कर लेते ना, देन इनको दो काफी बड़े फायदे हो सकते थे। एक तो यहाँ पर जो ओवरऑल बिल्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती, और दूसरा फोन्स का जो ओवरऑल वेट है ना वो पहले के मुकाबले में हमें कम देखने को मिलता। अभी गूगल ने भले ही यहाँ पर एप्पल की तरह टाइटेनियम बिल्ड को नहीं चूज करा हो, बट ये एप्पल की तरह सैमसंग का एम सीरीज का डिस्प्ले पैनल जरूर यूज करने वाले हैं। बल्कि है कि पिक्सल 8 सीरीज में ना हमें E7 डिस्प्ले पैनल देखने को मिला था जो कि सैमसंग की तरफ से आता है। अभी E सीरीज के जो डिस्प्ले पैनल्स होते हैं वो ऑलरेडी काफी शानदार क्वालिटी के होते हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा बेटर क्वालिटी होती है एम सीरीज के डिस्प्ले पैनल्स की। तो आपने नोटिस करा ही होगा कि जो आईफोन की जो डिस्प्ले पैनल्स होते हैं ना वो काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो एप्पल है वो सैमसंग का एम सीरीज का डिस्प्ले पैनल यूज करता है। तो अभी एप्पल की ही तरह गूगल भी अपनी पिक्सल 9 सीरीज में एम सीरीज का डिस्प्ले पैनल यूज करने वाला है। इस बार पिक्सल 9 सीरीज में हमें सैमसंग का M14 डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा, और यही सेम डिस्प्ले पैनल हमें आईफोन 16 लाइनअप में भी देखने को मिलेगा। अभी इस डिस्प्ले पैनल से ना दो चीजें हो जाएंगी, एक तो जो ओवरऑल फोन की ब्राइटनेस है वो पहले के मुकाबले में इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरा जो एफिशिएंसी है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि वो बैटरी को कम कंज्यूम करेंगे। और सिक्योरिटी वाइज गूगल एक और स्टेप आगे निकलने वाला है। वेल यूजुअली आपने देखा ही होगा कि गूगल के पिक्सल फोन में हमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। अभी ये जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर होता है ना, ये लेस सिक्योर होता है। तो इसी चीज को फिक्स करने के लिए गूगल इस बार अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर यूज करने वाली है, जो कि क्वालकॉम ने डेवलप कर रहा है, और यही सेम फिंगरप्रिंट सेंसर हमें S24 अल्ट्रा में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। अभी इससे ना दो चीजें हो जाएंगी, एक तो ओवरऑल फोन की सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरा अगर आपके हाथ ऑयली है या फिर डर्टी है फिर भी आप फोन को अनलॉक कर पाओगे। जहां पर डिस्प्ले और डिजाइन में हमें इतनी सारी अपग्रेड्स देखने को मिल रही है, वहां पर हमें परफॉर्मेंस और AI में अपग्रेड्स ना देखने को मिले, ऐसा हो सकता है। वेल गूगल पिक्सल 9 सीरीज में हमें गूगल की तरफ से टेंसर G4 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। अभी अगर पुराना रिकॉर्ड देखें देन गूगल के जो टेंसर चिपसेट है वो काफी ज्यादा बदनाम है हीटिंग और नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज को लेकर। मैं खुद पिक्सल यूजर हूं पिछले 2 साल से, और मुझे अच्छे से पता है कि गूगल पिक्सल फोन्स में हीटिंग और नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज कितने ज्यादा देखने को मिलते हैं। पर क्या ये इश्यूज पिक्सल 9 सीरीज में फिक्स होने वाले हैं या नहीं? वेल देखो, उम्मीद तो है। देखो, जो टेंसर G4 चिपसेट है ना वो सैमसंग के 4 नैनोमीटर वाले फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस्ड है, और ऊपर से ये सैमसंग की नई पैकेजिंग यूज करने वाले हैं। अभी ये पैकेजिंग क्या होती है ये मैंने पिक्सल 8a वाली वीडियो में डिस्कस करा था, वो आप बाद में देख लेना। लेकिन अगर यहाँ पर बात करिए रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, हमें यहाँ पर बेटर हीट मैनेजमेंट देखने को मिल सकती है। अभी हीटिंग का तो ठीक है, लेकिन नेटवर्क इश्यूज का क्या? वेल उसके लिए यहाँ पर गूगल यहाँ पर एक्सिनोस 5400 मॉडम यूज करने वाली है। अभी इसका नेटवर्क रिसेप्शन कैसा रहने वाला है ये हमें रिव्यूज के बाद ही पता चल पाएगा, बट इतना कंफर्म्ड है कि इस मॉडम के कारण यहाँ पर पिक्सल 9 सीरीज में सैटेलाइट कनेक्टिविटी जरूर इनेबल हो जाएगी। हालांकि परफॉर्मेंस ना इसकी अभी भी स्नैपड्रैगन 8 जन 2 के अराउंड रहने वाली है। गूगल अभी भी यहाँ पर तकरीबन 2 साल पीछे चल रहा है सैमसंग और बाकी की एंड्रॉइड कंपनीज के मुकाबले में। लेकिन यहाँ
यहाँ पर एक और चीज है कि जो गूगल के फोन है ना वो कभी भी परफॉर्मेंस को लेकर नहीं जाने जाते थे, क्योंकि इनकी जो यूएसपी है ना वो है इनका कैमरा और इनके एआई फीचर्स। और वहीं पर मतलब कि कैमरा और एआई में इन्होंने काफी बड़ी इंप्रूवमेंट्स करी है। अभी तक 3 एआई फीचर्स यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं और मुझे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहे हैं। वेल देखो, इस बार यहाँ पर हमें पिक्सल 9 सीरीज में जिमिनी की यहाँ पर इंटीग्रेशन देखने को मिलने वाली है। मतलब कि जो गैलेक्सी एआई वाले जो फीचर्स है ना, जैसे कि नोट समराइज वगैरह करना, वो यहाँ पर फीचर्स हमें इस बार पिक्सल 9 सीरीज में भी देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा भी 3 काफी बड़े फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला फीचर है स्टूडियो का। अभी इससे क्या होगा ना कि आप फोन के अंदर ही इमेजेस वगैरह जनरेट कर पाओगे, और जनरेट करने के बाद अगर आपने उनको और भी ज्यादा पॉलिश करना है या फिर एडिट करना है, वो भी आप फोन के अंदर ही कर पाओगे। इसके अलावा सेकंड फीचर है एडमी फीचर। अभी ये जो फीचर है ना, इसको आप बेस्ट एक का नेक्स्ट वर्जन बोल सकते हो। वेल बेस्ट एक में क्या होता था कि अगर आप ग्रुप फोटोज वगैरह ले रहे हो और अगर किसी का फेस सही नहीं आया है, देन वो बाद में उसको चेंज कर सकता था, मतलब कि फिक्स कर सकता था। अभी एडमी फीचर के साथ में क्या होगा, अगर आपने कोई ग्रुप फोटो ली है और उसके बाद में अगर आप किसी को ग्रुप फोटो में ऐड करना चाहते हो, देन एडमी फीचर के साथ में वो चीज कर पाओगे। तीसरा और सबसे हाइलाइटेड फीचर रहने वाला है पिक्सल स्क्रीनशॉट्स का। अभी ये जो फीचर है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट के रिकॉल फीचर की तरह कुछ काम करेगा। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का रिकॉल फीचर था ना, वो कुछ प्राइवेसी थ्रेटनिंग फीचर था, क्योंकि वो पूरा टाइम रिकॉर्डिंग करता था आपकी स्क्रीन की। लेकिन पिक्सल स्क्रीनशॉट्स के साथ में गूगल ने थोड़ी प्राइवेसी वाली यहाँ पर अप्रोच ली है। वेल इस फीचर के साथ में ना आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह सर्च कर पाओगे और उनके अंदर का कंटेंट सर्च कर पाओगे, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं स्क्रीनशॉट्स पर वर्क करेगा जो कि आप अलाउ करोगे प्रोसेसिंग के लिए। अगर परफॉर्मेंस में एआई में हमें इतनी सारी अपग्रेड्स देखने को मिल रही है, तो सोचो यहाँ पर हमें कैमरास में कितनी बड़ी अपग्रेड्स देखने को मिलेंगी। वेल इस बार गूगल जो है ना, कैमरा में अभी तक की सबसे बड़ी अपग्रेड्स करने वाला है, और इनमें ये कुछ ऐसा करने वाला है जो कि इन्होंने पहले कभी भी नहीं करा है। वेल इस बार गूगल ने प्रो और नॉन प्रो के जो बैक कैमरास हैं वो टोटली चेंज कर दिए। और इस बार जो पिक्सल 9 सीरीज है, इसमें हमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी, और यही 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट आपको पिक्सल 8 सीरीज में भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये जो फीचर है ये कैमरा ऐप के थ्रू इनेबल कर दिया जाएगा, जो कि अपडेट जो है बहुत ही जल्द यहाँ पर रोल आउट होने वाली है। हालांकि गूगल ने यहाँ पर बैटरीज में भी ना कुछ अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स करी है, और वो चीज आप इस लिस्ट में देख सकते हो। हालांकि मैंने ना यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आईफोन इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि हर कोई उसी को बाय करना चाहता है, और वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।